हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई देख लीजिए, 13.5 इंच रखे। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। आर्म होल की भी लंबाई 5.5 इंच है। 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से मार्क करके नीचे की साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। इन दोनों मार्किंग को बराबर करते यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे, तो गले की लंबाई मैं 10 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं, जितना आपका डीप निक चाहिए। अब यहाँ से 1 इंच का एक देखिए मार्क करें कॉर्नर में। इस साइड से जो है राउंड नेक का मार्किंग कर देंगे। तो ये राउंड नेक की मार्किंग जिस तरीके से किए हैं, अब इसके बराबर में देखिए 1 इंच के बराबर में एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर रहे हैं। तो आपको क्लियर ये वीडियो में समझ में आ रहा होगा। ये जो मार्क करें ये डिज़ाइन के लिए मार्क है। इसको देखिए बराबर में लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो दोनों जगह से कटिंग करनी है। ये कटिंग हो चुकी है। अब ये दूसरा जो फैब्रिक पे मार्किंग की है इसकी कटिंग कर देंगे पूरी। तो देख रहे हैं बीच में से ये पट्टी कट होके निकली है। इससे डिज़ाइन करनी है तो इसको साइड करेंगे। और ये जो अस्तर है इसके साथ में ब्लाउज़ का फैब्रिक लिए इसके भी गले की कटिंग कर देंगे। तो क्लियर वीडियो में देखिए, अब ऐसे राउंड शेप में ही गले को कट करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड करके दोनों को पहले बराबर रखेंगे और गले की सिलाई लगाते हुए जॉइंटिंग करेंगे। तो ये देख रहे हैं मैं गले को स्टिच कैसे कर रही हूँ। तो ये पूरा गला स्टिच हो चुका है। इस पर छोटा छोटा कट लगा देंगे पूरे गले पर। कट लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा करना है। तो कट लगाने से गला बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए पलट कर सीधा करने के बाद ये राउंड शेप में आ चुका है। ये फिनिशिंग की इसकी सिलाई लगा रहे हैं, इससे परफेक्ट ये गला डिज़ाइन में दिखने लगेगा। तो ये देखिए फिनिशिंग मैंने दे दी है गले की। अब ब्लाउज के साइड से अस्तर और कपड़े दोनों को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो क्लियर देखिए मैं कैसे दोनों को मिलाते हुए अटैच कर रही हूँ एक साथ में। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अटैच कर दीजिएगा। अस्तर और ब्लाउज़ के फैब्रिक को दोनों को साथ में अटैच करके आपको दिखाया है। हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, नीचे से टक्स लगाएंगे। तो टक्स देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इस तरीके से माप लेते हुए दोनों साइड से टक्स को लगा देंगे। तो दोनों साइड से टक्स लग चुका है। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए देखिए मैं अस्तर का फैब्रिक यहाँ से यूज़ करूँगी। तो इसको ब्लाउज के नीचे के साइड से रखेंगे और बराबर में एक सिलाई लगाते हुए इसको ब्लाउज के साथ में ही ज्वाइंट कर देंगे पूरा। ये पट्टी ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट हो चुकी है। इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। तो ये फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। जो ये पट्टी इसके ऊपर सिलाई लगा के ज्वाइंट की, इसको डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए पूरा नीचे का बॉर्डर बना देंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं नीचे का बॉर्डर किस तरीके से बना रही थी। बॉर्डर बन चुका है पूरा। तो अब ब्लाउज़ गले पे डिज़ाइन करेंगे। तो ब्लाउज़ को साइड रखते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किया है। इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी वो मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच रखा है। अब इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करना है और फिर नीचे के साइड इसके सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को प्रॉपरली स्टिच कर दीजिएगा। तो क्लियर आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। इस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा जितना आपको ब्लाउज़ में यूज़ करना है। ये पूरा बना दिए, इनके थ्रेड को कट करके अलग अलग रख दिए और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थ्रेड बचे उसे पूरा कट करके निकाल के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट है, देख लीजिए। इनको साइड रखेंगे और ये कुछ फैब्रिक और स्क्वायर में कट के इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखी। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करना है और नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइनों को पूरा बना लेंगे। तो मैंने आपको पूरा डिज़ाइन बनाते हुए दिखा दिया। इस तरीके से बना लीजिएगा। इनकी थ्रेड को भी कट करते हुए अलग कर रख लेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक थ्रेड पूरा कटिंग करके निकाल के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये कम्प्लीटली देखिए मैंने अच्छे से पूरा डिज़ाइन को बना लिया है। ये जो डिज़ाइन बनाए इसको भी साइड रखेंगे और दोनों को साथ में लेंगे। अब दोनों को एक साथ में बराबर रखते हुए सिलाई लगा के एक दूसरे के साथ में इसको स्टिच कर लेंगे। तो देख रहे हैं मैं इसको अटैच करते हुए कैसे सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे पूरा डिज़ाइन है, सबको बना लेंगे।
तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरा ये कम्प्लीटली बना लिया है। अब इनको जो है थ्रेड इसका भी कटिंग करके अलग अलग रख देंगे और इसकी भी पूरा फिनिशिंग दे देंगे, एक दूसरे के बराबर कर लीजिएगा थ्रेड और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए। तो ये देखिए डिज़ाइन मेरी कम्प्लीटली बन चुकी है। अब डिज़ाइन को पहले साइड रखते हुए ये न्यूज़पेपर ले लीजिए, इसको डबल फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर ब्लाउज़ को भी डबल फोल्ड करके रख देंगे बिल्कुल बराबर करते हुए, और जितना एरिया में गले का पार्ट आ रहा है वहाँ से मार्क कर देंगे, और इसमें जो है अंदर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और बाहर से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा जो स्टिचिंग में जाएगा। अब इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये पूरी कटिंग इस पर कर ली है न्यूज़पेपर पे। अब डिज़ाइन ले लेंगे, डिज़ाइन को इसके ऊपर बराबर रखिएगा और फिर सिलाई लगाते हुए इसके साथ में पूरा अटैच कर लेंगे डिज़ाइन। तो क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको बना रही हूँ। इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैंने ये कम्प्लीटली पूरा देखिए बना लिया है। अब इस पर पाइपिंग करना है तो इसको साइड रखेंगे, और पाइपिंग करने के लिए मैंने देखिए एक पट्टी कट की स्ट्रेचेबल है क्रॉस में कटिंग किया, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और उसके साइड से सिलाई लगाते हुए इसको पूरा बना देंगे स्टिच करते हुए। तो इसके साइड से पूरा सिलाई लगा के इसको बना लिए, इसको साइड रख के ये डिज़ाइन लिए, डिज़ाइन के गले पर इसको बराबर करते हुए पूरा अटैच कर देंगे। तो देख रहे मैं बराबर रखती हूँ कैसे अटैच कर रही हूँ गले पर इस पट्टी को, ऐसे करना है आपको। ये कम्प्लीटली इसके साथ में अटैच हो चुकी है। राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाएंगे बिल्कुल, और पूरा सिलाई लगा के पाइपिंग को स्टिच कर देंगे। तो मैंने ये पूरे गले पे आपको पाइपिंग करते हुए दिखा दिया। अब ये जो डिज़ाइन है इसको ब्लाउज के साथ में अटैच करना है, तो इसको पहले साइड रख के ब्लाउज लेंगे और डिज़ाइन को ले लेंगे, दोनों को बिल्कुल बराबर रखिएगा गले पे, डिज़ाइन को एकदम बराबर रखते हुए फिर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे पूरा। तो एक दूसरे के साथ में मैं इसको कैसे स्टिच कर रही हूँ बराबर रखते हुए, ऐसे ही पूरा स्टिचिंग आपको भी करनी है। तो क्लियर आपको वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा। तो मैंने गले पे डिज़ाइन को बराबर स्टिच कर लिया है, लेस लिए हैं, इसके साइड से थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे कॉर्नर से, 1/2 इंच के अकॉर्डिंग गैपिंग पूरा गले पे रखिएगा लेस के साथ में। ये देखिए पूरा गले पे लेस की स्टिचिंग कर दी है। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेट करने के लिए मोती ले लिए हैं, जितनी भी डिज़ाइन बनी है सभी के कॉर्नर पर मोती को लगाएंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कॉर्नर पे मोती लगा रही हूँ। इसी तरीके जितनी भी डिज़ाइन बनी हुई सब पे मोती लगा लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा डेकोरेट कर दिया है ब्लाउज, न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर देंगे इस पे से। मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सिंपल था बनाने में डिज़ाइन और ईजी भी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन से जैसे ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।